बिहार के माध्यमिक विद्यालय लंबे अरसे से शारीरिक शिक्षक यानी फिजिकल टीचर की कमी से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ हर तरह से फिजिकल टीचर बनने की योग्यता रखने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी नियोजन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। परीक्षा हुई, नतीजों का ऐलान भी हुआ, लेकिन साल भर बीत जाने के बावजूद सफल अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं हुआ। सूत्र बताते हैं कि सारा मामला कैबिनेट मंजूरी के लिए लटका है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद ही नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। स्कूल में फिजिकल टीचर के पद खाली, कैबिनेट में लंबित है नियोजन की मंजूरी, 8000 स्कूलों में खाली है पद। बिहार के माध्यमिक स्कूलों में फिजिकल टीचर्स के पद लंबे अरसे से खाली पड़े हैं। इसे लेकर टीचर्स की तरफ से धरना प्रदर्शन भी किया गया है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। पहले लॉकडाउन का बहाना बनाया गया, फिर आदर्श आचार संहिता का बहाना बनाकर एक टाल मटोल करते रहे। अब चुनाव भी खत्म हो गया, मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका, लेकिन अभी तक हमारा भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाया। और 27 तारीख से हम भूखे प्यासे रात खाते हैं तो दिन नहीं, हर दिन कहते हैं तो रात नहीं। हमारे बाय बच्चे भी वहाँ भूखे 10 दिन से ये हुए, क्योंकि हम क्या करें, रोज पर गुजरे हुए। हम लोग को सरकार कैबिनेट के पास नहीं होने के कारण हम लोग की ये स्थिति आज हम लोग रोड पर आए हुए हैं। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जल्द कैबिनेट से पास कराकर हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया। दरअसल फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ इंस्ट्रक्टर का नियोजन शुरू कराने की मांग हजारों अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन वो मामला कहां फंसा है वो भी जान लीजिए। राज्य के 8386 प्राथमिक विद्यालयों में 8386 पद खाली। सरकार का अनुमान है कि 8386 पदों पर नियोजन होने से 81 करोड़ का सालाना खर्च होगा। जब बिहार में STET परीक्षा की प्रक्रिया साल 2019 में शुरू हुई, तो इसी के साथ फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ इंस्ट्रक्टर परीक्षा कराने का फैसला हुआ। BSEB ने फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ इंस्ट्रक्टर की भी परीक्षा ली और नतीजों का ऐलान हो गया। नतीजों का ऐलान फरवरी 2020 में हुआ, लेकिन नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। कुल 8386 पदों के लिए परीक्षा हुई, दूसरी परीक्षाओं के उलट 3523 अभ्यर्थी ही सफल हुए। सूत्रों के मुताबिक नियोजन के लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है, यानी जब तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं होगी तब तक सफल 3523 अभ्यर्थी इसी तरह सड़कों पर ठोकर खाते रहेंगे। हालांकि पटना के कमोबेश सभी सरकारी स्कूलों में फिजिकल टीचर काम करते देखे गए। शिक्षकों की संख्या मेरे लेकर 16 है, 15 मेरे अलावे और एक मैं, 16 शिक्षक हैं। इस विद्यालय में 2 और प्राथमिक विद्यालय संचालित होता है। विभाग चाहे तो कुछ हफ्तों में सफल अभ्यर्थियों का नियोजन करा सकता है, लेकिन उसे भी शीर्ष स्तर के आदेश का इंतजार है। कैबिनेट के फैसले और अभ्यर्थियों के इंतजार के बीच सच्चाई ये है कि प्राथमिक विद्यालयों में फिजिकल टीचर की भारी कमी है। हालांकि हमने पूरे मामले में विभाग की राय जाननी चाहिए, लेकिन अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना।